हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और व्लॉगिंग में आज सुबह सुबह बन रहा है नाश्ते में चीला, और बहुत दिनों बाद चीला बनाया है। तो अभी ना मैं नाश्ते में यहाँ पे मैंने पूरी ना प्रिपरेशन कर दी थी, मतलब इसमें मैंने जो चीले का बैटर तैयार किया ना, इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हल्के मसाले वो सब डाले थे। तो जब नाश्ता बनाते हैं ना तो इतनी जल्दी रहती है ना, इतनी कोशिश करते हैं यार पहले ही कैमरा सेट कर लो, पर हो ही नहीं पाता सच में। बाद में फिर बाद में ही हो पाता है। तो अभी बस यहाँ पे ना मैंने ये थोड़ा चीला ना बड़ा बन गया था। अक्षिता के लिए मैंने अलग निकाला था थोड़े कम मिर्च वाला बैटर जो था, और ये वाला है हमारा। और अभी ना भाई आ रखा था, तो मैंने आपको बताया था मेरे घर पे भाई आया है 2 दिन के लिए, और अभी मतलब चला भी गया, उसके बाद चला गया वो। तो अभी मैंने उसको भी दिया। और ना मैंने यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, मटर पनीर की, तो थोड़ा सा पनीर मैंने रखा था बचा के। मुझे अक्षिता के लिए कुछ बनाना था, तो मैंने सोचा चलो ये ना ये पनीर को ही इसमें लगा के बना के देखती हूँ मैं किस कैसे लगते हैं चीले। मैंने पहली बार बनाया था इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे पानी साफ़ कर रही थी, पानी पानी सा हो जाता है इसको बीच में जो स्टफिंग करते हैं ना। वैसे तो स्टफिंग चीला कैसा ही भी बना लो, जो जिसकी स्टफिंग आपको पसंद है, आलू की भी, पर पनीर की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम इस तरीके से बना के देखा था, तो अच्छी लगी मुझे। अगर आगे भी बनाऊंगी मैं इस तरीके से। तो बस यहाँ पे ना सारे चीले बन गए थे, और हम ना टीवी देख रहे हैं अभी। और अक्षिता का भी मैंने दे दिया है नाश्ता, कृष्णा सो रहा है सोफे पर। तो बस मैं यहाँ पर चीले बना रही हूँ, और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। मैंने जो इसमें प्याज वगैरह कट करके डाले थे ना, बहुत बारीक बारीक डाले थे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था प्याज तो बिल्कुल। तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर चीज़ों को जितना बारीक करके हम डालेंगे ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है उन चीज़ों का, मैंने ये देखा है। अगर ऐसे ही मोटा मोटा चॉप कर दो ना, इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन थोड़ा बारीक हर चीज़ को पतला करके कट करो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ना मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। चाय, चटनी भी बनाई थी मैंने साथ में, वो धनिया, टमाटर, लहसुन, इन सबको मिक्स करके बहुत टेस्टी लगती है चटनी। मतलब हरी चटनी होना किसी चीज़ के साथ बस बात ही अलग है, और मुझे बहुत पसंद है, लाल वाली से भी ज़्यादा हरी चटनी ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे ना चीले सारे बन गए थे, और नाश्ता करने के बाद मैं बैठ गई थी कृष्णा की मालिश करने के लिए। तो दो तरीके के तेल मैं रख लेती हूँ पास में, एक सरसों का है मस्टर्ड ऑयल, और ये है हिमालय का, पता ही आपको हिमालय से करती हूँ। तो धूप देखो कितनी अच्छी आ रही है ना इस कमरे में, और इस बार की सर्दियों में ना भी शुक्र है कि अभी एकदम क्या कहते हैं मौसम बिल्कुल बिना धूप वाला नहीं हुआ है, मतलब सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं बिल्कुल सुबह को ही अच्छे से काफ़ी, और बिल्कुल तेज़ धूप निकलती है। तो बहुत अच्छी धूप आ रखी है, और हम इस कमरे में ही अंदर ही अंदर कमरे में बैठे बैठे धूप भी मिल जाती है। तो ये ना खेल रहा था, और देखो अक्षिता को, मतलब अक्षिता ना उसको खिलाती है और ऐसे डांस करके दिखा रही थी, तो इतना खुश होता है उसे देख देख के, बहुत हंस रहा था उसकी तरफ, और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी, अजीब अजीब से मुँह बना रही थी। तो मैंने कहा ऐसे मत करो बेटा बार बार, पर वो भी बच्ची है, वो भी मस्ती में लगी रहती है, और वो तो बहुत ही हंसता है उसे देख देख के। तो बस यहाँ पे ना कृष्णा की मालिश करके उसे नहला दिया था, और फिर मैं भी नहा ली थी। और बच्चे के साथ ना ब्लॉग शूट करना बहुत ही यार बड़ा वो हो जाता है, जहाँ जहाँ मिलता है ना बस मैं वहीं पे ही शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे नहा के ना आज मैंने सर भी धोया था, तो बाल भी गीले हैं, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पॉन्ड्स की क्रीम, हाथ पैर फट जाते हैं। हेयर भी वॉश किए थे तो अभी गीले हैं, सूखे नहीं हैं अभी, जब सूख जाएंगे ना अच्छे से तो इसकी कंघी करूँगी। तो बस मैं ना अभी बैठी हूँ नहा के, और अभी कृष्णा ना उसको भी नहीं लाया था, वो भी अच्छे से सो गया है। तो अभी ना काफ़ी देर हो गई से सोते सोते, मैं बस अभी बैठी हूँ सारा घर का काम फिनिश करके। काम तो खैर पूरे दिन फिनिश ही नहीं होता, मतलब यह है कि नहा के कपड़े वगैरह धुल गए हैं सारे, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, और ये पिंक वाला टॉप पहना है मैंने आज, बहुत दिनों बाद पहना है वाला टॉप। तो बस अभी ना खाना बनाऊंगी, देखती हूँ अभी कुछ मन तो है नहीं, क्योंकि सुबह ना चीले बनाए थे तो बहुत हैवी हो गए थे, वही उनसे पेट सा भर गया था। अब देखती हूँ, या तो दलिया बनाऊंगी कुछ और हल्का ही बनाऊंगी, मतलब अभी कुछ खाने के लिए। क्या कर रहे हो?
तो अक्षिता यहाँ पे कर रही है स्कूल काम और साथ में ना फोन भी लेके बैठी है वो। तो मैं पता है यहाँ पे यही सोच रही थी कि यार बाल सूख जाएं या बाहर बैठूं क्या करूं, पर बाहर बैठो ना धूप में तो 2 बजे तक धूप चली जाती है, तो फिर मेरे को अंदर आके ही बाल सुखाने पड़े ड्रायर से, और इससे ना काफ़ी अच्छे मेरे बाल सूख गए थे। और सच बताऊँ ना मेरे, मैं सोच रही थी कि यार ये ड्रायर पहले क्यों नहीं लिया, तब जैसे कृष्णा हुआ था तब हमारे जापे का टाइम होता है ना तब बहुत दिक्कत आती है बालों की, बाल गीले रहते हैं और बेबी को गीले बालों में फीड नहीं करा सकते, तो मुझे लगा तब होता ना तब भी मतलब दिमाग में ही नहीं आया मेरे कि यार मैं तब ड्रायर ले लूँ। कुछ चीज़ों की होती है ना ध्यान नहीं रहती, और बाद में कुछ जब हमें मिल जाती है तो लगता है यार हाँ उस टाइम पे होती तो काफ़ी हेल्प होती से, क्योंकि ना मैं मुझे पता है मैं ना बैठ ही रहती थी बहुत देर देर तक, ना पंखा चला सकते, कभी धूप में बैठ जाती थी अगर धूप है तो, या फिर कमरे में ही बहुत ही हल्का पंखा चला के सुखाती थी बालों को, और बाल लंबे हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सूखने में, मतलब बहुत देर में सूखते हैं, बाहर से सूख जाएं लेकिन अंदर काफ़ी टाइम लेते हैं। और पता है मेरे ना सर में भी दर्द हो जाता है ऐसे गीले बालों को बांध लिया, और मैंने यहाँ पे ना गीले बालों ये ड्रायर से भी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि ड्रायर ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है, इतना कि बस हाँ ज़्यादा गीला ना लगे चोटी बन जाए इस तरीके से सुखाती हूँ बस। और यहाँ पर मैंने ड्रायर करने के बाद ना चोटी वगैरह बना ली थी बालों की, और बस यहाँ पे मैंने बालों की चोटी वगैरह हो गए मेरे बाल ड्रायर, चोटी बना दूंगी, थोड़ी थोड़ा कंघी कर ली थी, और आजकल ना मेरे बाल बहुत झड़ने लगे हैं, जब कृष्णा था ना पेट में तो बिल्कुल बाल नहीं झड़ रहे थे, और अब जब मतलब डिलीवरी से पहले बाल नहीं झड़ रहे थे सच में, और अब बाल झड़ने लगे हैं। तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और अक्षिता की फ्रेंड आ गई है घर पे, नहीं अक्षिता नहीं की नहीं मतलब ऐसे नहीं करो, अभी लड़ो जो नहीं, लड़ो हमारे घर नहीं। पे आ जा घर के पास रहते हैं ना जो फ्रेंड, वो आराध्या और मेघा हैं, तो शाम के टाइम या तो अक्षिता उन्हें बुला लेती है या उनके घर चली जाती है, तो इस तरीके से इन तीनों का मन भी लग जाता है बस, और तो कहीं बच्चों का है नहीं कि यहाँ पे जगह अच्छा जगह जी, हम बच्चों को घुमाएं, तो इस तरीके से बच्चे इनका मन भी लग जाता है और ये खेल भी लेते हैं आपस में। और बस यहाँ पे हो गया था रात को सोने का टाइम, तो देखो ये दोनों बच्चे मेरे कैसे सो नहीं रहे हैं और दोनों ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं इनर में। तो चलिए व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।